जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के अंतर्गत थाना कोट पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना कोट प्रभारी कुलदीप की अगुवाई में पुलिस की टीम ने मजारी जंगल में छापामारी की तो वहां काफी संख्या में अवैध कच्ची शराब लाहन के ड्रम बरामद किए गए। पुलिस ने लगभग 33 ड्रम मौके पर नष्ट किए हैं। डीएसपी संजय शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की कार्रवाई शराब माफिया के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर कोई इस तरह की घटना को जंगलों में अंजाम दे रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें ताकि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। जो मजारी गांव पड़ता है वहां की कट में हमारी पुलिस के थाना कोर्ट के एसएचओ साहब ने कल रेड की थी, जिसमें लगभग 23 से 33 के करीब ड्रम मिले थे लवान के, तो सारी लवान को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पहले भी ऐसी कार्यवाही करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। तो लोगों से अनुरोध है कि अगर उन्हें कभी वहाँ पे लोग इस तरह की इलीगल दारू बनाते हुए दिखाई दें तो हमें कंप्लेन करें, हम उसी वक्त कार्रवाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। एस टुडे के लिए बिलासपुर से जम्वाल की रिपोर्ट।